चाणक्य आईएएस एकेडमी करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। भारत कनाडा विवाद, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं। दरअसल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए कनाडा में मौजूद भारत के वीजा एप्लीकेशन सेंटर ने ये घोषणा की है। इससे पहले कनाडा ने अपने नागरिकों को भारत के कुछ खास हिस्सों में ना जाने के लिए एडवाइजरी जारी की थी। भारत ने भी इसी तरह की एडवाइजरी जारी कर दी। इसके बाद देर रात कनाडा ने भारत की एडवाइजरी को खारिज कर दिया। कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर डोमिनिक लेबनेक ने ओटावा में मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका देश पूरी तरह से सुरक्षित है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बिना कोई सबूत के भारत की खुफिया एजेंसी पर कनाडा में ऑपरेशन करने का आरोप लगाया। भारत सरकार के प्रत्यर्पण के अनुरोध को नजरअंदाज किया। भारत ने एडवाइजरी में क्या कहा? भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया था कनाडा में जारी भारत विरोधी एक्टिविटीज के मद्देनजर वहां रहने वाले या वहां की यात्रा पर जाने वाले नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो बहुत सतर्कता बरतें। हालिया वक्त में देखा गया है कि कनाडा में मौजूद इंडियन डिप्लोमेट्स और इंडियन कम्युनिटी के एक खास तबके को धमकियां दी जा रही हैं। ये वो लोग हैं जो भारत विरोधी एजेंडे का विरोध करते हैं। एडवाइजरी के अनुसार कनाडा में बिगड़ते हुए सुरक्षा हालात के मद्देनजर वहां मौजूद इंडियन स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। इंडियन कम्युनिटी और स्टूडेंट्स हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आइए देखें विवाद का कारण। ट्रूडो ने कनाडा की पार्लियामेंट में यह कहकर सनसनी फैला दी कि उनके पास पर्याप्त सबूत है कि निज्जर की हत्या भारत सरकार ने करवाई है। उसके बाद कनाडा ने रॉ के अधिकारी 1997 बैच के पंजाब कैडर के इंडियन पुलिस सर्विस अधिकारी पवन कुमार राय को भारत वापस जाने का आदेश दिया था। टोरंटो स्टार की रिपोर्ट के अनुसार 19 सितंबर को कनेडियन प्राइम मिनिस्टर का रुख कुछ नरम दिखा। कनाडा की सरकार का अब कहना है कि वे भारत के साथ तनाव नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन भारत को इन मुद्दों को गंभीरता से लेना होगा। निज्जर सिंह की हत्या पर जानकारी कई देशों की मदद से इकट्ठा की गई है। जांच पूरी होने के बाद इसको लेकर पूरी जानकारी दी जाएगी। बता दें कि कनाडा एक फाइव आईज नाइन के इंटेलिजेंस अलायंस का हिस्सा है, जिसमें कनाडा के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। इससे पहले ट्रूडो ने सांसदों से कहा था कनाडा की धरती पर किसी नागरिक की हत्या करवाने में विदेशी सरकार का शामिल होना हमारे देश की संप्रभुता का उल्लंघन है। हम इस हत्या की जांच में सहयोग देने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के सिखों की बड़ी आबादी इस हत्या को लेकर गुस्से से भरी है। कई सिख अपनी सुरक्षा को लेकर डर में हैं। देश में करीब 18 लाख भारतीय मूल के नागरिक हैं, जिनमें से कई सिख हैं। कनाडा की विपक्षी पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जगमीत सिंह सिख समुदाय से हैं। भारत का पक्ष। भारत ने कनाडा की तरफ से लगाए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कनाडा के सभी आरोप बेतुके हैं। इस तरह के आरोप कनाडाई प्रधानमंत्री ने हमारे पीएम मोदी के सामने भी रखे थे और उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकवादी और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश है। इन्हें कनाडा में पनाह दी गई है और ये भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा हैं। कनाडा में साल भर में भारत विरोधी 15 घटनाएं, गिरफ्तारी एक भी नहीं। कनाडा के भारतवंशियों का कहना है कि ट्रूडो का आरोप हास्यास्पद है। एक साल के दौरान कनाडा में भारत विरोधी 15 घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें 9 सभाएं खालिस्तान के समर्थन में, 2 जनमत संग्रह और 4 मंदिरों पर हमले शामिल हैं। ट्रूडो सरकार ने एक भी मामले में कोई गिरफ्तारी को अंजाम नहीं दिया है। यहाँ पर भारत विरोधी घटनाओं के बाकायदा वीडियो पुलिस को सौंपे जाते हैं, लेकिन पुलिस को कोई आरोपी नहीं मिलता, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन खालिस्तानी निज्जर की हत्या के 3 महीने के भीतर ही कनाडा को बड़े सुराग हासिल हो गए, ये कैसे हुआ? भारत सरकार द्वारा किए गए पूर्व प्रयास। भारत सरकार ने पिछले 5 साल में कनाडा से खालिस्तानी समर्थक और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े लोगों के प्रत्यर्पण के लिए 26 बार अपील की, लेकिन ट्रूडो सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और सकारात्मक जवाब नहीं दिया। भारत में जघन्य अपराध में वांटेड 13 आतंकवादी और अपराधी इस वक्त कनाडा में घूम रहे हैं।
इसमें संदीप सिंह और सनी भी है। यह कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी में सुपरिटेंडेंट के पद पर काम कर रहा है। खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला का राइट हैंड पंजाबी गैंगस्टर सुखा दुन्नेके का नाम भी शामिल है। इसकी भी हत्या कर दी गई। इस पर 30 से ज्यादा मामले दर्ज थे, फिर भी ट्रूडो सरकार ने उन्हें भारत भेजने से मना कर दिया था। इसी के साथ हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।